बेटा मेरी अपनी सही नहीं, पुराने वक्तों में पढ़ा नहीं। हाँ बेटा मेरी, अल्लाह उसको उतना अता करता जितनी उससे मेहनत की। उस्ताद मुखलिस हो हैं जी, बाअमल हो तो बड़ी जल्दी उनके शागिर्दों पर असर होता है। अब मैं गुड़ खा के तेन कहूँ गुड़ ना खा, ऐसे दंद तेरे चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। इसलिए बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब अल्लाह ने इलान नबूवत के लिए कहा, ये समझने के लिए है, मुझे भी अल्लाह समझते, तो पहले उन्होंने दीन नहीं पेश किया, पहले अपना आप पेश किया। ए लोगों, जब अल्लाह ने फरमाया ना सफा पर चढ़ो, अब ऐलान करो, अपने फिराओं को बुला लो, अब ऐलान कर दो नबूवत का। तो उन्होंने कहा लोगो तुम मुझे क्या जानते हो? सब ने कहा अबू लहब ने कहा कि तुम हम तुम्हें सादिक अमीन मानते, सच्चे और अमानतदार। अमानत खाली पैसों की नहीं होती, आंखों की भी अमानत, कानों की भी, जबान की भी अमानत, ठीक है ना। तो जब आपने हक बात कही तो फिर क्या कहा, फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया ना। तो इसलिए अल्लाह हमें अमल बना दे। अल्लाह को बहुत बुरा लगता है वो बंदा जो कहता कुछ है करता कुछ है। अल्लाह ने फरमाया लिमा तकूलूना मा ला तफ़अल, क्यों वो कहते हो जो करते नहीं। तो पंजाबी की एक मिसाल है, अपनी अपनी मैं कुजे पावा बह पराइया पोला, आई समझ आओ, आपको समझ आई, अपनी मैं कुजे पावा बह पराइया पोला, अपना भरिया पिया गंदगी दे नाल कुजा, ते लोकां दी गंदगी लो नहीं, हुण फलानी जू पई है ते अपना भावे सिरा जूहां नाल भरिया हो ना, अपने आप को साफ कु अनफुसकुम वाहलकुम नारा। किसी की सलाह करनी है तो अलहदगी में, हमदर्दी के लिए से, तदलील के लिए नहीं कि मैं इसकी बात इसको करूंगी तो पता चलेगा।